नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन, जो बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाता है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल शहर में कल सफल रहा बैतूल बंद। सकल हिंदू संगठनों ने SP के नाम SDM और SDOP को मौलाना पर मामला दर्ज करने के संबंध में सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों हैदराबाद के मौलाना इलियास शरफुद्दीन ने एक TV डिबेट में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद सकल हिंदू संगठनों के द्वारा नाराजगी और आक्रोश के अंतर्गत कल बैतूल शहर के बंद का आह्वान किया गया। संगठन की इस अपील का खासा असर लोगों में देखने को मिला, जिसके चलते कल बैतूल के सभी इलाकों में 100% बंद का असर नजर आया। आपको बता दें कि इस दौरान सकल हिंदू संगठनों ने SP सिमाला प्रसाद के नाम SDM और SDOP को ज्ञापन सौंपा और मौलाना पर मामला दर्ज करने की मांग की। बैतूल कोसमी जोड़ पर डायल 100 पर हमला कर फरार हुआ आरोपी, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। बैतूल में कोसमी जोड़ पर कल देर रात्रि करीब 11:30 बजे के आसपास छोटू गुजरे और मनीष नाम के युवक के बीच में वाद विवाद हो गया था, जिसके चलते छोटू गुजरे की तरफ से डायल 100 की टीम को बुलाया गया। जैसे डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची, उपद्रवी मनीष के द्वारा डायल 100 की टीम पर हमला कर दिया गया। इस दौरान डायल 100 की गाड़ी में अंदर बैठे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। आपको बता दें कि आरोपी मनीष के द्वारा डायल 100 की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया गया। इस दौरान गाड़ी के अंदर बैठे प्रकाश पाल सहित अन्य पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, वहीं मौके से मनीष फरार हो गया। पायलट की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी की सरगर्मी से तलाश प्रारंभ कर दी है। बैतूल सुरक्षा के मद्देनजर कल जिला प्रशासन के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। हैदराबाद के मौलाना द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कल बैतूल शहर सकल हिंदू संगठनों के आह्वान पर बंद रखा गया था। कल दिन भर शांतिपूर्वक बैतूल शहर बंद रहा, वहीं देर शाम को जिला प्रशासन के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया और चौक चौराहों की चौक चौबंद व्यवस्था के संबंध में नजर रखी गई। बैतूल भैंसदेही पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को जेल से मेडिकल के लिए लाया जिला अस्पताल। जिला चिकित्सालय बैतूल में कल भैंसदेही थाना पुलिस के द्वारा धारा 302 के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल में बंद किए गए 4 आरोपियों को मेडिकल के लिए लाया गया। बताया जा रहा है कि इनके अलावा 2 और आरोपी हैं। इन दोनों आरोपियों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। शेष 4 आरोपियों को कल बैतूल के जिला चिकित्सालय में मेडिकल के लिए लाया गया। बैतूल बसंत पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 108 की मदद से पहुंचाया जिला चिकित्सालय। बैतूल कोतवाली के अंतर्गत आने वाले इटारसी रोड के बसंत पेट्रोल पंप के पास कल करीब 11 बजे अरुण उई के नाम के एक छात्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उक्त छात्र की बाइक डिवाइडर से जा टकराई और वह घायल हो गया, जिसके बाद तत्काल 108 की मदद से घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल उक्त छात्र का इलाज जारी है। बैतूल पेयजल की समस्या से जूझ रही है खेड़ी सावलीगढ़ की जनता, हाथ ठेले से पानी लाने को मजबूर है ग्रामीण। बैतूल के खेड़ी सावलीगढ़ पंचायत के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्या पेयजल और सड़क है। लोग आज भी पानी के लिए भटकते हैं। इस गांव के ग्रामीण पानी के लिए आज भी हाथ ठेलों का और पुरानी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि गांव में पानी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी ग्रामीण पेयजल के संबंध में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुलताई फवारा चौक पर मुख्य मार्ग की चौड़ाई कम होने के चलते लगा जाम, मार्ग के चौड़ीकरण की उठी मांग। मुलताई नगर के मध्य से गुजरने वाले मुख्य मार्ग पर सोमवार को दिन भर ट्रैफिक जाम रहा।
दुकानों के सामने सड़क पर ही चार पहिया वाहन खड़े नजर आए, जिसके चलते अन्य वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्ग से बड़े वाहनों के आने पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी, जिसके चलते राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि नगर के मध्य से गुजरने वाला मार्ग सकरा है, ऐसे में मार्ग पर चार पहिया वाहन खड़े रहने से अन्य वाहनों को निकलने के लिए जगह नहीं रहती है। सबसे अधिक परेशानी जयस्तंभ चौक मासोद रोड तिराहे पर होती है। प्रभात पट्टन, जिला सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंच के चुनाव हेतु आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए मुलताई विधायक सुखदेव पांसे। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के प्रभातपट्टन विकास खंड के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 16 के प्रभातपट्टन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच को विजयी बनाने के लिए कल कांग्रेस के द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे शामिल हुए। उन्होंने जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच पद के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की लोगों से अपील की। मुलताई, मंदिर निर्माण का लोहा चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। मुलताई नगर में ताप्ती परिक्रमा मार्ग पर वर्तमान समय में सत्यनारायण मंदिर के निर्माण का कार्य जारी है। यहां से लोहा चुराए जाने की शिकायत समिति के कृष्णकांत भार्गव के द्वारा की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें एक युवक चोरी करता हुआ साफ नजर आ रहा है। पुलिस हुलिये के आधार पर और फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। यदि यह आरोपी पकड़ा जाता है तो नगर में हुई अन्य चोरियों का खुलासा भी हो सकता है। मुलताई, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संभावित पार्षदों में उत्साह की लहर। अभी तक 57 नाम निर्देशन पत्रों का हुआ वितरण। मुलताई नगर में आगामी 13 जुलाई को हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर युवाओं सहित पार्षद पद के प्रत्याशियों में हर्ष की लहर देखी जा रही है। तहसील कार्यालय मुलताई में पार्षद पदों के संभावित उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने में बहुत ही रुचि दिखाई है। कुल 57 संभावित उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा ऑनलाइन नामांकन भी जमा किया जा सकता है। इसके संबंध में सभी लोक सेवा केंद्र, जिला प्रबंधक और MP ऑनलाइन संचालक को कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया है। मुलताई, किसान पंचायत में किसानों ने की MSP की कानूनी गारंटी की मांग, खाद की बढ़ती कीमतों पर जताया आक्रोश। किसान संघर्ष समिति कार्यालय में रविवार को 294 भी किसान पंचायत हुई। किसान पंचायत में किसानों के द्वारा विभिन्न समस्याओं को उठाया गया। खाद की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम की अध्यक्षता में यह किसान पंचायत संपन्न हुई। आमला, अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचते हुए 3 आरोपी पकड़ाए, 39 क्वार्टर जब्त। आमला पुलिस ने शनिवार को बालाजी होटल के बाजू में बस स्टैंड आमला से आरोपी अंकित पिता रानू डोंगरे उम्र 21 साल निवासी पोस्ट ऑफिस के पास आमला को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा है। उसके पास से करीब 12 क्वार्टर सफेद प्लेन मदिरा के जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बस स्टैंड आमला से ही आरोपी सनकू पिता यमलू कवड़े उम्र 48 वर्ष निवासी बरेली पार जिला छिंदवाड़ा को भी बस स्टैंड आमला में शराब बेचते हुए पकड़ा गया है। उसके पास से करीब 15 क्वार्टर शराब जब्त की गई है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को भी आमला पुलिस के द्वारा शराब बेचते हुए पकड़ा गया है। पुलिस ने उसके पास से 12 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा जब्त की है। आमला पुलिस ने सट्टा पर्ची लिखते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
आमला पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी उपेंद्र दास पिता हरेंद्र दास उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 को अवैध रूप से सट्टा पर्ची लिखते हुए पकड़ा है। उसके पास से करीब 800 रुपये नकद और एक पेन सहित सट्टा पर्ची बरामद की गई है। इसी तरह कुमारी मोहल्ला आमला से भी आरोपी लखनलाल पिता मोतीलाल प्रजापति उम्र 62 वर्ष को पकड़कर उसके कब्जे से 775 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। सारनी कोयला खदान में बीती रात घुसे दो चोर। सिक्योरिटी और पुलिस खोजने के लिए नीचे खदान में उतरी। मुहाने पर नहीं लगे हैं कैमरे। सारनी में WCL पाताखेड़ा की कोयला खदान तवा एक में बीती रात दो चोर घुस गए जो खदान के अंदर है। यह बात पुलिस और सुरक्षा विभाग के द्वारा कही जा रही है। चोरों को तलाशने के लिए पुलिस का 9 सदस्यीय दल खदान में नीचे उतरा है। भीमपुर ब्लॉक में हुई जोरदार बारिश। मानसूनी बारिश के आगाज के साथ खेतों में जुटे किसान। भीमपुर ब्लॉक में मानसूनी बारिश के चलते कई इलाके पूरी तरह से तरबतर नजर आए। वहीं नदी नालों में भी उफान दिखाई दिया। आपको बता दें कि भीमपुर ब्लॉक में सबसे अधिक 25 mm की बारिश दर्ज की गई है। कल जोरदार बारिश के चलते किसान अपने खेतों की ओर बोनी के कार्य प्रारंभ करने के लिए जाते हुए नजर आए। भैंसदेही नगर परिषद के अंतर्गत पोखरनी वार्ड के पास JCB मशीन के माध्यम से कराए जा रहा है नाली की सफाई और खुदाई के संबंध में कार्य। भैंसदेही नगर परिषद के अंतर्गत पोखरनी वार्ड के पास बने नाले की सफाई इन दिनों JCB मशीन के द्वारा नगर परिषद के माध्यम से की जा रही है ताकि बारिश का पानी इस नाले से सही तरीके से बह सके। आपको बता दें कि इस नाले में पूरी तरह से गंदगी का अंबार लग चुका है जिसके बाद बारिश होने पर पानी कहीं ना कहीं आसपास के घरों में घुस सकता था। इसलिए नगर परिषद के द्वारा JCB मशीन के माध्यम से नाले की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। चिचोली बस स्टैंड के निकट वट सावित्री पर्व पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा। पति की लंबी उम्र की करी कामना। आज मंगलवार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर वट सावित्री पर्व के अवसर पर चिचोली नगर के बस स्टैंड के निकट महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजन अर्चन कर उपास रखा। सुहागन महिलाओं ने बस स्टैंड बाजार चौक सहित अन्य स्थानों पर मौजूद वट वृक्ष को अपनी सदियों की पुरानी सनातन धर्म परंपरा के अनुसार आस्था के साथ सूत के धागों से बांधकर पति की लंबी उम्र की कामना की। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप देखते रहिए ताप्ती अर्जुन। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।